आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले पैंच नेशनल पार्क का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी जिले में पैंच नेशनल पार्क स्थित है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एक बाघ को आप देख रहे होंगे, ये जंगल में चला जा रहा है। ये बाघ यहाँ एक पेड़ पर कुछ सूंघता हुआ दिख रहा है। और अब ये क्या, ये तो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, पेड़ पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बना लिया। देखिए, ये पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये वाकई इस तरीके के नज़ारे बड़े ही दुर्लभ होते हैं जो आपको मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पैंच नेशनल पार्क में देखने को मिल सकते हैं। पैंच नेशनल पार्क का कोर और बफर दोनों क्षेत्र खुला हुआ है। ये देखिए, ये और हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं किस तरीके से इसने पोजीशन ली और ये चढ़ गया ऊपर। देखिए कैसे ये पेड़ के ऊपर, वैसे तेंदुआ बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ सकता है। बाघ को पेड़ पर चढ़ने में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं बाघ इसके लिए। तेंदुआ तो तत्काल कुलाचे भरते हुए इस पर चढ़ सकता है। देखिए, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितना सटीक समय रहा होगा, कितना ये बिल्कुल वो चढ़ने की कोशिश करे और वीडियो बना लिया जाए तो इसे टाइमिंग कितनी गजब रही होगी, कितनी उम्दा टाइमिंग रही होगी पर्यटक की। पैंच नेशनल पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है। रेल मार्ग से अगर आप पैंच नेशनल पार्क पहुँचना चाहते हैं तो नागपुर रेलवे स्टेशन, छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में नरसिंहपुर, जबलपुर और बालाघाट रेलवे स्टेशन सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। और सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो जबलपुर और नागपुर के बीच 4 लेन में स्थित है पैंच नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर भोपाल से आप आते हैं तो भोपाल से छिंदवाड़ा होकर सिवनी बालाघाट वाले मार्ग पर सिवनी से आपको नागपुर की ओर जाना होगा। ये नज़ारे पैंच नेशनल पार्क के जो बड़े अद्भुत नज़ारे, ये देखिए एक बाघ सड़क पार करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरीके के अद्भुत नज़ारे आपको सिर्फ पैंच नेशनल पार्क में ही देखने को मिल सकते हैं। पैंच नेशनल पार्क, ये देखिए कैसे एक बाघ यहाँ आराम फरमाता हुआ दिख रहा है। पर्यटक बहुत उनके पास जो कैमरे होते हैं या फिर उनकी कला इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पर्यटक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को लगातार ही वीडियोस, फोटोग्राफ्स पैंच नेशनल पार्क के अंदर के भेज रहे हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार ही साझा करते हुए हम आए हैं। ये देखिए, ये एक और पैंच नेशनल पार्क के अंदर हरियाली, चूंकि बारिश का मौसम अभी लगभग समाप्ति की ओर है, मानसून विदाई की ओर है। और यहाँ देख सकते हैं आप पैंच नेशनल पार्क के अंदर सड़क के पास में ही पूरी हरियाली, और हरियाली में ये बाघ टहलता हुआ चला जा रहा है। वैसे पैंच में जिस तरीके की घटनाएं अभी घटी हैं, जिप्सी लगातार जो वीडियोज हमने आपको दिखाए कि आप चाहे तो हमारे वीडियोज प्लेलिस्ट में जाकर पैंच के अंदर जाकर आप देख सकते हैं वीडियोस। बाघ का रास्ता रोककर जिप्सी खड़ी हो जाती हैं, ये एक उचित नहीं माना जा सकता इसे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इसकी इजाज़त कतई नहीं देता। और जिस तरीके की कार्यप्रणाली पैंच नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा अपनाई जा रही है, उस प्रणाली को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। बाघ अगर कभी हिंसक हो गया, मान लीजिए अगर कभी धोखे से बाघ हिंसक हो गया और किसी पर्यटक के साथ उसने कुछ कारस्तानी कर दी, तो अधिकारियों को शायद जवाब देते नहीं बन पाएगा। इस बात का ध्यान पैंच नेशनल पार्क प्रबंधन को रखना चाहिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो पैंच नेशनल पार्क की ख्याति में कमी आएगी, साथ ही सिवनी का नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम हो सकता है। इस बात का ध्यान सिवनी के दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, चारों विधायक दिनेश राय, राकेश पाल सिंह, योगेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह काकोलिया को रखने की बहुत जरूरत है।
पैंच नेशनल पार्क देश विदेश में पर्यटकों के बीच पहली पसंद बन गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए कितने करीब से आपको बाघ के दीदार, वो जिप्सी आप देख सकते हैं, जिप्सी फिर एक जिप्सी आपको खड़ी दिखी जो रास्ता कहीं ना कहीं रोके हुए थी, और आपने देखा किस तरह से ये बाघ वहाँ से थोड़ा सा बचकर भागा, कहीं ना कहीं बचकर बाघ भागा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पैंच नेशनल पार्क का पैंच कोर और बफर दोनों क्षेत्र, ये देखिए ये अपना क्षेत्र निर्धारण मूत्र त्याग करके करते हैं। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाघ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होता जा रहा है। जंगल का राजा कहलाता है बाघ, और बाघ को इतने करीब से देखना अपने आप में एक सुखद एहसास से कम नहीं माना जा सकता है। ये देखिए कितना विशाल काय बाघ यहाँ पर है, और ये चढ़ने की कोशिश में ये पोजीशन ली उसने, ये देखिए पोजीशन ली और ये ऊपर कूद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश में बाघ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एक बार आप पैंच नेशनल पार्क का भ्रमण जरूर करें अगर वन्य जीवों में आपको दिलचस्पी है तो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन वीडियोस मौसम के अपडेट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।